एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑटो गर्ल। माय नेम इज रवनीत एंड आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं ह्यूंडई वेन्यू फेसलिफ्ट के वेरिएंट पे वॉक अराउंड करने वाली हूँ। क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, क्या इंजन ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं और क्या प्राइस पे आपको ये मॉडल मिलता है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रंट डिज़ाइन में आपको न्यू ग्रिल देखने को मिलेगी क्रोम की फिनिशिंग के साथ। लाइट सेटअप की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, प्रोजेक्टेड LED हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं और ये जो हेडलैम्प्स है आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। DRLs भी आपको ऑफर किए गए हैं SX मॉडल में। यहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ हेडलैम्प के साथ आपको कॉर्निंग लैम्प भी ऑफर किया गया है। ओवरऑल अगर मैं इसकी फ्रंट लुक्स की बात करूँ तो पूरी आपको टॉप मॉडल जैसे ही लगेगी। हालांकि ये टॉप से नीचे है बट आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि टॉप वेरिएंट नहीं है। टॉप मॉडल जैसे ही आपको यहाँ पे स्किर्ट में देखने को मिलेगी, फॉग लैम्प्स इसमें भी मिसिंग है और टॉप मॉडल में भी आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। इंजन ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, SX मॉडल में आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट इज 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड जो कि जनरेट करता है 83 BHP एंड 114 इंटरमीडिएट टॉर्क। एंड सेकेंड इंजन ऑप्शन मिलता है 1.5 डीजल जो कि जनरेट करता है 100 PS एंड 240 न्यूटनमीटर टॉर्क। इन दोनों की प्राइस लिस्ट मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स साइड प्रोफाइल। यहाँ पे आपको जो ORVM है वो आपको बॉडी कलर ऑफर किए गए हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। एंड अगर मैं रूफ रेल्स की बात करूँ, सिल्वर फिनिशिंग के साथ आपको रूफ रेल्स ऑफर किए हैं। ऑफकोर्स देखने में काफ़ी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। डोर हैंडल्स की बात करूँ, आपको बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। ड्राइवर साइड पे ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है। ध्यान रखिए, जो को ड्राइवर वहाँ पे आपको किस तरह का कोई रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किया गया। अब बढ़ते हैं इसके व्हील्स की तरफ। 15 इंचेस के आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिल जाते हैं विद व्हील कवर। पेट्रोल में जो 1.2 लीटर पेट्रोल का जो इसका वेरिएंट है SX का, उसमें आपको ये 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। एंड अगर मैं डीजल की बात करूँ 1.5 लीटर डीजल इंजन की, उसमें आपको अलॉय व्हील्स 16 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और ब्रेकिंग की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर की गई है। अब हम आगे रियर प्रोफाइल की तरफ। ह्यूंडई वेन्यू की सबसे बड़ा मेजर चेंज आपको रियर प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। जो पहले वाली वेन्यू थी ना, उसमें काफ़ी मतलब मेरे को तो बहुत बोरिंग लगती थी, बट अब आपको एक प्रीमियम फील देने वाली है ये टेल लाइट। यहाँ पे LED टेल लाइट मिल जाती है और जो ये बार है ना, ये बार लाइट बार, वो भी आपको LED मिल जाती है SX में। हालांकि जिसका बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको ये बार मिलती है बट वो ऑन नहीं होती, जस्ट अ बार। एंड यहाँ पे आपको जो आपने देखा होगा टाइगन में, आपको सेम ऐसी ही बार वाली लाइट देखने को मिलेगी, तो काफ़ी सिमिलर लगती हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर एंड दो रियर पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं। और फीचर वाइज इसमें आपको डीफॉगर, हाई स्टॉप लैंप एंड शार्क विंड एंटीना आपको SX में मिल जाता है। एंड कुछ मिसिंग फीचर हैं थोड़े से इसमें, जैसे कि वाइपर एंड वॉशर आपको इसमें थोड़ा मिसिंग लगेगा। SX मॉडल में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है विद डायनेमिक गाइडलाइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेफ्टी फीचर्स। इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स, ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर इसमें आपको ऑफर किए गए हैं। और साथ ही साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो है ही काफ़ी अच्छी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। और यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देती हूँ कि कौन कौन फीचर्स में आपको डिफरेंस यहाँ पे मिलता है, कि कौन कौन से फीचर्स आपको 1.2 में मिलते हैं, कौन कौन से डीजल में मिलते हैं। अब हम बैठ चुके हैं अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। डी कट लेदर रैप का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है विद स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, जिसपे आपको वॉइस कमांड, कॉलिंग का, यहाँ पे वॉल्यूम का कंट्रोल मिल जाता है। ये जो गाड़ी है ना, ये 1.2 लीटर वाली गाड़ी है बट 1.5 लीटर डीजल में आपको क्रूज कंट्रोल के भी स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल ऑफर किया गया है, पेट्रोल में नहीं। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसपे, बट अगर मैं चेंजेबल की बात करूँ ना तो यहाँ पे छोटी सी MID है, वो चेंजेबल है। बाकी जो साइड पे हैं स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर, वो वही सेम ही रहते हैं। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो 8 इंचेस के आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। 1.2 लीटर पेट्रोल में आपको ब्लू लिंक के फीचर्स मिलते हैं, डीजल में नहीं मिलते SX वेरिएंट में, ये ज़रूर याद रख लें। AC यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है और डिस्प्ले यहाँ पे छोटी सी मिल जाती है AC की। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट और C-टाइप पोर्ट यहाँ पे ऑफर किए गए हैं दोनों। वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे आपको ऑफर की गई है।
दो कप होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एंड आर्म रेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी जो अपहोल्स्ट्री है ड्यूल टोन अपहोल्स्ट्री मिल जाती है ब्लैक एंड यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम कलर आप कह सकते हो, दोनों ही फैब्रिक है। अगर टॉप वेरिएंट की अगर हम बात करें वहाँ पे जो ब्लैक कलर है ना वो लेदर है एंड जो क्रीम कलर है वो आपको फैब्रिक मिलती है, बट इसकी जो आपको आर्म रेस्ट मिलती है वो आपको लेदर की मिलती है और विद स्टोरेज भी आपको ऑफर की गई है। यहाँ पे अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कूलिंग ग्लव बॉक्स SX में मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आप छोटी स्पेस दी गई फोन वगैरह स्लिप वगैरह होल्ड करके रख सकते हो। इसमें आपको कीलेस एंट्री एंड पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है। SX का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है वो वायरलेस नहीं ऑफर किया जाता, वो वाइड ही ऑफर किया जाता है, बट जो डीजल वाला वेरिएंट है उसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। यहाँ पे जो IRVM है वो मैनुअल है, यहाँ पे उसके ऊपर SOS एंड ब्लू लिंक के बटन्स दिए गए हैं। लाइट्स आपको यहाँ पे हैलोजन मिल जाती हैं एंड यहाँ पे सनरूफ भी आपको SX में मिल जाता है। ड्राइवर साइड सनशेड पे आपको स्लिप होल्डर एंड को ड्राइवर साइड सनशेड पे आपको मिरर ऑफर किया गया है। SX वेरिएंट का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं मिलता और टॉप वेरिएंट में भी आपको टिल्ट ही ऑफर किया जाता है। ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो ये हाइट एडजस्टेबल मैनुअली ही है और अगर आपने आगे सीट करनी है तो वो भी आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। हालांकि जिसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 4B इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट ऑफर की गई है। ड्राइवर साइड कंट्रोल्स में आपको यहाँ पे ओआरवीएम के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्पेस की अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे आपको 1 बॉटल यहाँ पे रख सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें टिश्यूज वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। तो ये जो हैंडल है ना वो आपको हार्ड प्लास्टिक ही ऑफर किया जाता है, हालांकि जिसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको लेदर कुशनिंग मिलेगी। अब मैं बैठी हूँ सेकंड रो में, अगर मैं स्पेस और कंफर्ट की बात करूँ तो मुझे कोई भी कमी यहाँ पे महसूस नहीं लग रही। अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम या फिर शोल्डर रूम अगर 2 पर्सन बैठे हैं और यहाँ पे हेड रूम भी आपको सफिशेंट ही आपको मिल जाता है। और SX में आपको आर्मरेस्ट भी, हालांकि फैब्रिक में आर्मरेस्ट भी ऑफर की गई है, 2 कप होल्डर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं और जो इसके हेडरेस्ट है ना 2 हेडरेस्ट हैं आपको जो मिलते हैं वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। हालांकि जो सेंटर वाला पैसेंजर है उसके लिए किसी तरह का कोई हेडरेस्ट नहीं ऑफर किया गया। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स और कंट्रोल्स भी पीछे ही दिया गया है और USB पोर्ट C टाइप 2 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं। इसमें जो एयर प्योरीफायर आपको SX मॉडल में नहीं मिलता। पीछे बैठ के आपको सनरूफ का एंड आगे का व्यू काफ़ी बढ़िया दिख जाता है। इसमें आपको 2-स्टेप रिक्लाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट जो रिक्लाइन करना है वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा ऐसे कुछ इस तरह, और ये 60-40 स्प्लिट आपको SX में सीट्स मिल जाती हैं। अब मैंने वीडियो तो बना दी बट मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप SX मॉडल देख रहे हो और इसको लेने का सोच भी रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने इतना SX का सोच लिया, अपना इतना बजट बना लिया तो आपको SX ऑप्शनल यानी कि टॉप ले लेना चाहिए। सो ये थे वीडियो से वीडियो ऑन Hyundai Venue SX पे वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मेरे चैनल पे ड्राइव रिव्यू भी अपलोड हो जाएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।